Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am your EBS teacher in Victorious International School. We are going to start your chapter number 4. Good food. Now, today topic is water is important. Page number 25. Water is important, which means pani ya jal jaruri hai. Our body need water. हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है. वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर. हमें जो है अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए. इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट. हम जो खाना खाते हैं जल उसे पचाने में हमारी जो है सहायता करता है, हमारी मदद करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. यह बहुत आवश्यक है कि आप प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पिएं. रिमेंबर नॉट टू वेस्ट वाटर. याद रखिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है. फूड गिवर. वी गॉट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. हमें भोजन पौधों और जीव जंतुओं से मिलता है, पशुओं से मिलता है. एनिमल लाइक काउ बफेलो एंड गॉट गिव अस मिल्क. तो जो पशु हैं जैसे कि गाय भैंस बकरी हमको क्या देती हैं, दूध देती हैं. मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड. मिल्क जो है बहुत जो है एक महत्वपूर्ण पदार्थ है या पेय है जिसे हम पीते हैं और मिल्क से बने प्रोडक्ट को हम खाते भी हैं. जैसे बर्फ़ी बनती है, आप सब ने खाई होगी, है ना. और भी बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती हैं जिन्हें हम सब खाते हैं. वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. हमें प्रतिदिन जो है दूध पीना चाहिए. इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे. क्या आप प्रतिदिन दूध पीते हैं? तो यहाँ पर आपको यस लिखना है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे रोज़ दूध पीते हैं. वी गेट एग एंड मीट फ्रॉम हैंड. हमें जो है अंडा और मांस जो है मुर्गियों से मिलता है. ठीक है, मुर्गी से क्या मिलता है हमको? अंडा मिलता है और जो है मुर्गी से हमें मीट भी मिलता है, मांस मिलता है. सम पीपल ईट द मीट ऑफ गॉड्स एंड फिश आल्सो. कुछ लोग जो है बकरी और मछलियों का मांस भी खाते हैं. हनी बी गिव अस हनी एंड बी वैक्स. जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हमें शहद और मोम देती हैं, उनसे हमें मोम मिलता है. आज के वीडियो में बस इतना ही. कल हम आपको इससे आगे का जो है चैप्टर पढ़ाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.